अब स्टूडेंट्स चलिए हम लोग बात करते हैं क्या वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको देखना है क्या मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन में वेरिएशन क्या होगा। ठीक है, तो जनरल आप लोग जानते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी हमेशा फ्रीली आयन पर डिपेंड करती है। तो जनरल हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो पर होती है, ठीक है, जीरो पर पहुंचती है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। तब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। ठीक है, ओके, तो जरा देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। जरा देखिए, ठीक, ओके, तो फर्स्ट टाइम आपको बताया कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वो भी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। तो ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड CH3C OH। ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके, अब जरा देखिए मोलर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीली आयंस पर। अब अगर इस पे ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये लिखा है मोलर कंडक्टिविटी और ये लिखी है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कीजिए तो डिक्रीज करेंगे तो ग्राफ हमारा ऐसा कुछ ऊपर की ओर चलेगा, देस ये कुछ ऐसा ग्राफ चलेगा, देस ये। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पर आकर के एटिक कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, तब ये ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसा चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब अब इसमें कितना भी हम पानी मिलाते चले जाए, ठीक है, ओके, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पर आकर के इसकी अल्फा की वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू वन हो जाती है और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कोलराउस लॉ नियम के द्वारा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा अल्फा डिपेंड करता है द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ए कंसंट्रेशन सी पर। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला अप्लाइड मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ए कंसंट्रेशन सी पर। ठीक है, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके, इतना बात समझते हैं आप लोग।